आपको पता है जहाज जो बड़े बड़े बनते हैं उस जहाज को पानी में डूबने से बचाने के लिए उसमें कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। बड़े बड़े द्वार होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, और वो कंपार्टमेंट ऐसे होते हैं, मान लो कहीं पर हॉल होता है, कहीं पर डैमेज होता है और वो कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता है तो सिर्फ वो कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया जाता है ताकि वो पानी दूसरे कंपार्टमेंट में ना जाए। तो ऐसी कुछ चैम्बर्स या तो कंपार्टमेंट जहाज में बनाए जाते हैं ताकि वो पानी को रोका जाए, और जैसे ही पानी आता है, भरता है, कहीं कोई बार जहाज डैमेज होता है तुरंत वो कंपार्टमेंट को बंद कर दिया जाता है ताकि वो पानी बाकी के कंपार्टमेंट में ना जाए, और जब वो कंपार्टमेंट बंद हो जाता है जहाज बच जाता है। लेकिन टाइटैनिक जहाज डूब गया था क्योंकि उसके हर एक कंपार्टमेंट में पानी भर गया था, कोई कंपार्टमेंट, कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा था पानी के कारण। जब तक आपके जीवन के हर कंपार्टमेंट में पवित्र आत्मा भर नहीं जाते, छा नहीं जाते, नियंत्रण नहीं लेते, तब तक आप पवित्र आत्मा में डूब नहीं सकते। क्यों हम पवित्र आत्मा को पाए लेकिन बपतिस्मा पवित्र आत्मा का हमने नहीं पाया, उसके अंदर डूबे नहीं है, उसकी सामर्थ्य छलकती नहीं है, दिखती नहीं है, क्योंकि जीवन में हमने उसको कुछ क्षेत्रों में सीमित कर उसे रोक दिया है। हमें कंपार्टमेंट को खोलना है, जीवन के उस हर एक क्षेत्र को हमें पवित्र आत्मा के लिए खोलना है ताकि वो जीवन के उन हर एक क्षेत्रों में छा जाए, भर जाए और हम उसमें डूब जाए। हम पवित्र आत्मा को पा लिए लेकिन डूबते नहीं अंदर, उसके अंदर हमने अपने आप को डूबने नहीं दिया, क्योंकि हमारे जीवन के कुछ कंपार्टमेंट तक, कुछ हिस्सों तक पवित्र आत्मा को हमने सीमित रखा है और इसीलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी सीमित बनकर रह गई है। पवित्र आत्मा को हम सीमित बना कर रखे हुए हैं, हम उसमें डूबे नहीं, हमारे जीवन के कुछ कंपार्टमेंट में उनको हमने ब्लॉक कर दिया है। पवित्र आत्मा, इस बात में मुझे जो पसंद है मैं करूंगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं छोड़ा जाएगा, दुआ में कॉम्प्रोमाइज, प्रभु के साथ के रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज, और वो जो कॉम्प्रोमाइज है पवित्र आत्मा को हमने कुछ हिस्सों में अधिकार नहीं दिया, उसमें हम हमारी चला रहे, हमारी इच्छा से जी रहे, पवित्र आत्मा को हमने कुछ कंपार्टमेंट में बांध कर रखा है जीवन में, और इसलिए जीवन के बाकी के क्षेत्रों में पवित्र आत्मा की नदी नहीं बह पा रही और इसलिए हम उसमें डूब नहीं पाते, उसकी सामर्थ्य सीमित बनकर रह गई है। हम विश्वास में आए, प्रभु का स्वीकार किया लेकिन हम उसकी सामर्थ्य को नहीं देख पा रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा तो सामर्थ्य ही है, उसुर हमारा है, हमने उसको सीमित करके रख छोड़ा है। हालेलुया, आज हमारे जीवन के उन हिस्सों को, कंपार्टमेंट को हम खोले ताकि पवित्र आत्मा रूपी नदी उन हर एक कंपार्टमेंट में भरे 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 और ऐसी भरे कि हम उसमें पूरे डूबे। और जब आप उसको पूरा अधिकार दोगे, पूरा बहने दोगे हर कंपार्टमेंट, हर हिस्से में, हर इच्छाओं में, और एक एक कंपार्टमेंट जब भरता जाएगा, एक एक हिस्सा जब पवित्र आत्मा रूपी नदी से भरता जाएगा, आप उसमें डूबोगे, वो आपके जीवन को उसकी सामर्थ्य से भर देगा, आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया।